उसी घड़ी उसके शागिर्द वापस आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने उस औरत से ना पूछा कि तू क्या चाहती है या यीशु से कि तू क्यों इस औरत से बातें कर रहा है। तब वो औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर वापस चली गई। एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? बस वो शहर से निकलकर यीशु के पास आए। इतने में उसके शागिर्द यीशु से दरख्वास्त करने लगे, ऐ खुदावंद, कुछ खा लीजिए। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? अगर मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और कटाई के लिए तैयार है, काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें, क्योंकि इस पर यह मिसल सादिक आती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल फल में शरीक हुए। और इस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि इसने मेरे सब काम मुझे बता दिए और उस पर ईमान लाए। बस जब सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनांचे वो 2 रोज वहां रहा। उसके कलाम के सबब से और भी बेहतरे ईमान लाए और उन्होंने उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाए, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। 2 दिन